देख सकते हैं गजेरा बहुत तगड़ा वाला आ चुका है। खोपड़ी ऐसी ख़राब हो रही है, सुबह सुबह से शॉप खोला तो बहुत गंदा दर्द हुआ। तो वेलकम गाइस, गुड मॉर्निंग सर, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मॉर्निंग का व्यू तो ऐसे है कि जैसे कि बारिश का पूरा मौसम बना है। आज कार्तिक स्वामी का प्लान भी था, तो देखते हैं क्या होता है। हमारी भाई भी कॉल नहीं उठा रहे हैं, तो उसके बाद कॉल उठाते तो फिर निकलेंगे यहाँ से। और जैसे कि आज इनकी ईद, तो ईद की फुल झड़बड़ चल रही है। तो कैसी मज़ा आ रही है इसमें? और मज़ा आ रही है इसमें? बोलो ईद में बोल ना, खाली हाँ कर रहे हैं। तो देखते हैं आज ईद में क्या क्या होता है। नीचे भी जाएंगे तो सबसे मिलेंगे आज, तो ब्लॉग का देखते हैं आज बढ़िया तरीके से वो करेंगे। और देखते हैं कहाँ कहाँ व्यू आज आपको कैप्चर करके दिखाते हैं, तो फुल व्यू का मज़ा लेना आप भी। और ईद की झड़फड़ दिखाएंगे आपको इनकी, तो मिलते हैं आप भाई। जैसे कि मुझे टाइम मिला नीचे जाने का, तो हमारे लिए बिरयानी इधर ही आ चुकी है। और ये है बच्चा भाई। कैसी रही ईद? मजा की फुल? दस दिन की चल रही फुल पार्टी, फुल मजे ले रहे हैं बच्चे, देख सकते हो ये हमारे छोटे मोटे बच्चे। और एक ये भी है पीछे, और ये तो चलो। और अभी देखते हैं और क्या क्या होगा, तो आगे भी आपको मिलते रहेंगे। और थोड़ा सेल्फी ले लेते हैं बच्चों के साथ, तो चलो फिर मिलते हैं आप। तो गाइस वेलकम हो गया आपका हमारे प्यारे से ब्लॉग में। तो जैसे कि आपने देखा होगा, वो दिन मैंने अभी ईद के टाइम पे उनके साथ ब्लॉग बनाया था शॉप पे। तो दरअसल हुआ ऐसा कि ब्लॉग बनाते ही मैं शाम को फिर मेरे पेट में दर्द होने लग गया। तो यार आजकल ज़िंदगी में पूरा उथल पुथल चल रहा है, सारे प्रॉब्लम एक साथ आ रही है। गाड़ी का इंजन का काम भी होगा, आप पिस्टन ये भी उड़ गया और इसकी बैटरी भी गई 4-5 दिन में, इसीलिए परेशान भी था बहुत। फिर मन भी नहीं किया ब्लॉग बनाने का, मैं बहुत परेशान चल रहा था। तो आज देखो फिर अभी सुबह शॉप खोलने गया, शॉप खोलते ही टाइम तुरंत पेट में दर्द स्टार्ट, तो स्टोन की हुआ है प्रॉब्लम, दवाई चल रही थी। अभी जा रहा हूँ हॉस्पिटल, फिर देखते हैं क्या होता है, फिर आपको भी मिलते हैं। अब चलते हैं अल्ट्रासाउंड करा देंगे एक और, और देखते हैं पथरी निकल रही नहीं निकल रही है, तो बाकी चलते हैं आगे। और बाबू भैया अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो, तो जो मैंने आपको पत्थर चत्ता का पेड़ बताया था, तो वो पेड़ आप ले लेना। उसके पत्ते 15 दिन तक एक ही पत्ते खाली पेट करना, सुबह और शाम को एक पत्ता, तो उससे भी पथरी दूर हो जाती है। और आप डरो मत, हल्की है और हल्की उसमें सब चीज़ निकल जाता है। तो बाकी अब हम भी चलते हैं, क्योंकि मेरा भी स्टोन है। बाबू भैया आपके भी है, हम भी सेम हुए, और मैं तो आपका बिग फैन हूँ ऐसे भी। तो बाकी आपसे मिलने की उम्मीद है, तो आपसे मिल लेंगे। तो अभी चलते हैं हॉस्पिटल और देखते क्या होता है, फिर आपको मिलते हैं। और बाकी यहाँ का थोड़ा नज़ारा देख सकते। आओ तू मेरा रोज कमल क्लोज, तू मेरा रोज कमल क्लोज। भिजवा दे दिए कितवा दे दिए तेरी आदत। जैसे कि हम हॉस्पिटल से बाहर आ चुके हैं, तो एक्सरे कराया, तो एक्सरे में भी देखा, अल्ट्रासाउंड में देखा, तो 3 पथरियाँ हैं और 3 पथरी क्या बोले, एक बड़ी है तो 2 ठीक ठाक है। तो आज जो सुबह दर्द हुआ बहुत गंदा हुआ, तो अभी देखते हैं क्या होता है। और अब घर की ओर निकलेंगे, देखते हैं क्या होता है। यार खोपड़ी ऐसी ख़राब हो रही है, सुबह सुबह जैसे शॉप खोला तो बहुत गंदा दर्द हुआ, हालांकि लेवल का परसों रात को भी हो रहा था, पर मैंने दवाई खा के तुरंत सो गया था। अगर सोता नहीं तो हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाती।
यार मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ कसम से। तो अब देखते हैं क्या होता है। और बाकी बंटी साथ में था, कॉल वेट किया और घर से भी कॉल आ रही है, तो चलो कॉल उठाते हैं और घर की ओर निकलते हैं। तो भाई जैसे कि मैं भी आया हूँ शॉप पे, तो खाना भी खा चुका है, तो पापा को मैंने घर भेज दिया, स्कूटी दे दी है। तो पापा आएंगे शाम को, जैसे कि मैंने आपको बताया था हॉस्पिटल में गए थे और पत्री का जो सीन था वो आपको बता ही दिया। तो अब देखते हैं आगे, अगर शाम को कोई प्लान होगा तो आपको भी दिखाएंगे और क्या प्लान रहता है। और बाकी शॉर्ट तो आपने देखी होंगे, तो आप चेक कर लेना शॉर्ट वगैरह। हालांकि व्यू में सब जगह ग्रीन ट्री वगैरह थी, तो गजब ही लुक लग रहा था वहाँ का। तो हॉस्पिटल में थे तो यार बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था, वहाँ भीड़ बहुत थी, तो अंदर भी काफ़ी देर रुके रहे। तो उसके बाद अब निकले तो बैठे हैं, तो शाम को देखते हैं जो भी होगा प्लान वो आपको दिखाएंगे। तो मिलेंगे सीधा आपको आगे और आप करो इन्जॉय। गाइस देख सकते हो गजेरा बहुत तगड़ा वाला आ चुका है, देखो क्या उफान पे चल रहा है, जबरदस्त वाला। यह है काला बॉर्डर गजेरा जिसको चोर गजेरा कहते हैं, देख सकते हो। सजन रे पास तो आना, ना कभी मुझे छोड़ के जाना। चलो गाइस जैसे कि अब घर जाने का टाइम भी हो चुका है और थोड़ा लेट भी हो चुकी है, क्योंकि थोड़ा पापा के दोस्त आए थे, वो बात कर रहे थे, तो बात कर रहे टाइम का पता भी नहीं चला। तो जैसे कि मैंने बाहर शॉप के पूरा सामान अंदर कर दिया है, अपन क्या देख सकते हो पूरा। तो अब है शटर डाउन करते हैं, कैमरा ऑफ करते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर की ओर। तो चलो सीधा आपको मिलेंगे अब अगले ब्लॉग में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। तो मिलते हैं सीधा आपको अगले वाले ब्लॉग।